अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पहाड़ों के दामन में। मेरे पीछे बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं, पहाड़ी सिलसिला है, बड़ा खूबसूरत किस्म का साथ रोड जा रहा है। और इस रोड के मतलब मैं आपको बता दूँ, ये रोड इस्लामाबाद से मरी जा रहा है। पहला वीडियो इस्लामाबाद से मरी और मरी में किस तरह होटल बुक करना है उस पर होगा, और इस पूरी सीरीज़ में आप मरी की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज इस्लामाबाद का मौसम बहुत प्यारा है, तो इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करते हुए हम मरी के रास्ते रवा दवा हैं। हल्की हल्की सी बरसात हो रही है और बड़ा खूबसूरत और प्यारा सा मौसम बना हुआ है। होपफुली के मरी तक यही मौसम रहेगा, मरी तक यही मौसम रहेगा जी जी। तो आज हमारे साथ हैं, आपका नाम? महमूद। आज हमारे साथ हैं हाफिज महमूद साहब, जो हमें मरी तक ले जाएंगे। गाड़ी हाफिज महमूद साहब ड्राइव कर रहे हैं और हम यहाँ पे बैठे नज़ारा कर रहे हैं इस्लामाबाद के मौसम का, और आपको भी इस्लामाबाद के मौसम के नज़ारे करवा रहे हैं। क्या ज़बरदस्त सुहाना मौसम है। मरी पाकिस्तान की मोस्ट ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मरी को मलका कोसार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की अजूबिया गली, नथिया गली सबसे मशहूर है। दोस्तों, बाहर का इतना प्यारा व्यू है कि मैं आपको बता नहीं सकता, ना कैमरा उस तरह आपको दिखा पाएगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप यहाँ का ज़रूर विज़िट करें, इस्लामाबाद आएँ। इस्लामाबाद बज़ात खुद एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है पाकिस्तान का। इस्लामाबाद के साथ मरी है, मरी में ज़रूर जाएँ। और गर्मियों के मौसम में इन दिनों लाजमी एक दफा इन इलाकों का विजिट करें। तो यहाँ का मौसम बड़ा प्यारा है, बारिश हो रही थी रास्ते में, तो इस बारिश को एंजॉय करते करते हम एक जगह पे रुके हैं। पापूजी होटल है पीछे। ओए होए होए, व्यू देखें, कितना प्यारा व्यू आ रहा है इस होटल से। हाय हाय हाय, क्या ज़बरदस्त प्यारा व्यू है। नेचर नेचर है, नेचर से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं। उस तरफ से भी पानी आ रहा है, इस तरफ से भी पानी जा रहा है, आगे शायद ये इस तरफ जा रहा है। लेकिन आप यहाँ का नज़ारा देखें, कितना खूबसूरत, कितना प्यारा व्यू है। ये मौसम हो और चाय का प्याला हो, और चाय भी शक्कर वाली। क्या चाय है बाबर भाई, क्या कहने जी। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं आप। और चाय की अगर बात करें तो फिर क्या बात है। माशाल्लाह, लज्जत से भरी हुई, प्यार से भरी हुई, शक्कर की मिठास। वाह वाह, मज़ा आ गया यकीन कर।
बादल देखे वहां पे बिल्कुल पहाड़ों पे। चश्मे का खालस पानी है जिससे ये गाड़ी धो रहे हैं। चश्मे से आ रहा है फुल ठंडा बर्फ के जैसा पानी है। इसको पिया भी जा सकता है, बहुत ठंडा पानी है। ये देखिए जी, यहाँ पे बादलों के अंदर हम घुस चुके हैं। हम सतह समंदर से कितने फुट ऊपर आ चुके हैं। बादलों की हमारे साथ यहाँ मौजूदगी आपको बखूबी इसका अंदाजा दे रही हो। ये जो आपको धुंध नजर आ रही है ये एक्चुअल में बादल है। दोस्तों हम ऑलमोस्ट मरी पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक आबशार नज़र आई है, बड़ी खूबसूरत है, वो आपको दिखाते हैं। बहुत ही प्यारी लगी, मैंने कहा आपको ज़रूर दिखाऊं। तो यहाँ नीचे का मंजर कुछ ये है। थैंक यू, नो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुश हो रहे हो भाई? तो यहाँ पे ये नज़ारे हैं, क्या जबरदस्त सीनरी है। बाबर ये आबशार गाड़ी है, ये देखें, ये इतनी साफ तो नहीं है, काफी गंदगी यहाँ पे थैलियां वगैरह पड़ी हैं, लेकिन जबरदस्त नजारा है। फाइनली हम मरी पहुंच चुके हैं और ये जो हमारी डेस्टिनेशन थी मरी की, ये है मरी का बस स्टॉप। तो यहीं पे हम स्टे करेंगे, यहीं पे होटल वगैरह बुक करेंगे। हमारा डेस्टिनेशन आ चुका है, यहाँ से हम हाफिज साहब से इजाज़त लेंगे। हाफिज साहब को कल हम बुलाएंगे नथिया गली, अजूबिया गली, अटियाटा कार लिफ्ट और दूसरी डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी होटल में जाते हैं, होटल में जाके आपको वहाँ का रूम दिखाते हैं। ये रूम मिला है हमें और काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद ये रूम हमें 3,000 रुपये पर डे के हिसाब से मिला है। क्योंकि ये सीज़न के दिन है, वीकेंड चल रहा है, तो इसलिए रूम काफ़ी महंगे हैं। तो गाइज़ एक प्रॉब्लम हो गया हमारे साथ, मैं आपको बताता हूँ। पहले एक रूम दिखा दूँ फिर आपको बताऊँगा। ये देखें, ये होटल है और
यहाँ पे ये हमें कमरा मिला, ये पंखा, डबल बेड और ये वॉशरूम खुला। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। तो दोस्तों कोई सीन यूँ हुआ कि हमने एक होटल बुक किया, जिसकी वीडियो में भी मैंने आपको दिखाई कि ये होटल हम 3,000 पर डे में फाइनल कर चुके हैं। तो जब वो हम फाइनल कर चुके और उस रूम में शिफ्ट हो चुके, तो उस वक्त एक होटल इंतज़ामिया का दूसरा शख्स आया। उसने कहा मैंने तो 6,000 पर डे के हिसाब से कहा था, 3,000 पर डे के हिसाब से नहीं है, ये 6,000 पर डे के हिसाब से है, 6,000 आप और दें। हमने कहा आपने खुद बार्गेनिंग की है हमसे, हमने आपसे 2 दिन का रूम लिया है और आपने 7,000 कहा, हमने आपको 6,000 दिया और आप इस पे एग्री हो गए और सारा कुछ आपने अपने रजिस्टर पे एंट्रियाँ भी कर दी, आपने हमें चाबियाँ भी दे दी, फिर ऐसा कौन सा लालच है जो आपके दिल में आ गया। तो वो मानने को तैयार नहीं था, उसने हमारा सामान उठाया रूम से और उठा के बाहर रख दिया। अभी उस होटल की मैं वीडियो यहाँ पे लगाऊंगा, उस होटल को देखें और जब भी मरी आए उस होटल का ख़ास ख्याल रखें, ऐसा ना हो। हमें तो उन्होंने पहले ही बता दिया, शायद आपको उस वक्त बताएं जब वो आपको आपका आईडी कार्ड हवाले कर रहे हों और आपसे डिमांड कर रहे हों कि हमें 6,000 मज़ीद दे। तो इस तरह के स्कैम से ज़रा बच के रहना। मैं आपको लोकेशन समझा देता हूँ, ये देखें यहाँ पे, ये है लहरी अड्डा इस तरफ, और ये है इस्लामिक बैंक, तकवा इस्लामिक बैंक। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहाँ सामने होटल आता है, उस होटल की फ़ोटेज मैं यहाँ पे लगा दूंगा। बस उस होटल से आपने मरी में बच के रहना है। उस होटल वालों के साथ मेरी कोई ख़ास दुश्मनी नहीं, मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि हम आपके मेहमान हैं, आप हमें मेहमानों की तरह ट्रीट करें। एक जो कमिटमेंट बंदा कर लेता है उस कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते। तो आपको सोच समझ के हमारे साथ कमिटमेंट करनी चाहिए थी, अगर आप अपनी कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतर सकते तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं। तो गाइज़ मिलते हैं अगले व्लॉग में। मैं अभी मरी में हूँ, मरी सीरीज़ की अभी और भी वीडियो आने वाली हैं, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।